प्रभारी के खिलाफ समाजजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। ये सारा विरोध एक व्यक्ति नीलम यादव की मौत को लेकर था, जिसमें लोगों ने थाना प्रभारी पर रुपए लेकर अलग तरह का केस बनाने की बात कही है। हालांकि इस पर थाना प्रभारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मामला बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर नीलम यादव करीब 4-5 दिन से लापता था। परिजन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं अब उस व्यक्ति के शव को कुएं से बरामद किया गया है, जिसमें समाजजनों ने थाना प्रभारी पर रुपए लेकर मामला बदलने का आरोप लगाया और चक्का जाम कर अपना विरोध जाहिर किया। रतनपुर गांव का नीलम यादव है, वो 4 दिन से लापता है और कोई धाकर समाज के लोगों ने करंट बिछाकर रन बरन का शिकार करते थे, तो करंट से उनकी मृत्यु हो गई है। 4 दिन से लाश छुपा रखी थी। इसमें थाना प्रभारी की बहुत गलती है। थाना प्रभारी गुमराह कर रहा था घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको। और आज जब हमने चक्का जाम किया और सभी समाज इकट्ठी हुई हमारी, तो आज तुरंत बता दिया, बड़ी मिल गई है। जब हमने चक्का जाम किया है और जो सब किया, हालांकि थाना प्रभारी जी को बहुत पहले से पता था, उस दिन जिस दिन से मृत्यु हुई थी उस दिन से पता था। इस मामले में बजरंगगढ़ थाना प्रभारी राम शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिन्होंने रंजिश के चलते विरोध प्रदर्शन की बात कही और मृतक के परिजनों का उनको समर्थन बताया। यहाँ पर एक सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति है जो गायब हो गया है, उसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। उसके बाद लगातार उसकी तलाश चल रही थी। आज उनका शव बरखेड़ा के पास कुआ से हमने बरामद कर लिया है और उनके भाई जो हरि सिंह है, उनकी सूचना के आधार पर धारा 302 201-34 की 6 आरोपी गणों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। तो मेरे कई उसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जो हजूम था, जिनको मैंने कई केसों में भी बंद किया है और राजनीतिक विरोध भी करते हैं। कुछ अच्छे लोग हैं जिनका हम साथ देते, तो उनके जो विरोधी लोग हैं उसमें बहुत सारी, हमने भी चोरी के केस में, बेस चोरी के केस में बहुत सारे किसी समुदाय विशेष के लोगों को पकड़ा भी है, तो वो लोग भी उसमें थे। मैंने उनको पहले ही देख लिया था, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फरियादी का परिवार है वो यहाँ खड़ा हुआ है, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं अगर ऐसी कोई बात है तो। भाई साहब, फरियादी का परिवार खड़ा हुआ है, ये खड़े हुए हैं, उसके भाई हैं, उनसे पूछ सकते हैं। फरियादी के हरि सिंह कहाँ है बोला ना, पूरा परिवार खड़ा हुआ है। बाकी बाहर के लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं, हुजूम का फायदा उठा के कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी जो फरियादी का पूरा परिवार खड़ा हुआ है, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं। हालांकि प्रकरण को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। जैसे जो है आपको बताया था मैंने कि सतनपुर में 12-13 फरवरी की दरमियानी रात को नीलम यादव गायब हुआ था, उस संबंध में गुमशुदगी थाना बजरंगगढ़ में कायम किया गया है। इसकी जांच के दौरान आज उसकी डेड बॉडी बरखेड़ा गिरद के एक कुएं में मिली है। उसको गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए यानी भेज दिया गया है। तो इस संबंध में पुलिस के द्वारा बैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनके परिजनों के द्वारा अभी हनुमान चौराहे पर एक तो ज्ञापन दिया गया था और हनुमान चौराहे पर उनके द्वारा कुछ देर के लिए जाम भी लगाया गया था। उस समय उनको समझा दिया गया है कि पुलिस के द्वारा बैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उस संबंध में उनका जो है, जो भी उसके अंदर फैक्ट्स हैं, जो भी उसके अंदर तथ्य आएंगे, उस आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में थाना प्रभारी से रंजिश रखने वालों की बात कही जा रही है, लेकिन सारा मामला जांच के दायरे में है, जिसमें खुलासा होने की भी संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, गुना।